हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके सदस्य देश हैं 164। यह स्वतंत्र निकाय है। आपको बता दें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और इसके डीजी हैं रॉबर्टो अंजे अजीबेडो। ठीक, WTO के कार्य हैं प्रमुख व्यापार समझौता का प्रशासन, व्यापार वार्ता के लिए फोरम, व्यापार विवादों का निपटारा करना, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान। WTO का एक और कार्य है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके और देख लेते हैं, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये आया था 8वीं उपवर्ता में। इसके महानिदेशक थे, प्रस्ताव रखा था महानिदेशक आर्थर डंकल ने, इसलिए इसे डंकल मसौदा भी बोला जाता है। WTO सब्सिडी भी देता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। यह पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, विस्तार सेवाओं, आपदा राहत, आर्थिक सहायता के लिए दी जाती है। दूसरी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये प्रतिबंध के साथ होती है। ये कृषि उत्पादों समर्थन मूल्य का निर्धारण, मात्रा, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के लिए। एक और है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये प्रतिबंध के साथ है नहीं है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से दी जाती है। आपको बता दें विश्व व्यापार संगठन WTO रिपोर्ट जारी करता है दो, ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिकल रिपोर्ट, ये दो रिपोर्टें जारी करता है WTO। चलिए दोस्तों, तो इस लेक्चर में हमने देख लिया विश्व व्यापार संगठन WTO। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।